अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं चने की दाल पालक। सबसे पहले हमने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, तकरीबन हम उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। हमारे पास जो है एक प्याली चने की दाल है और 3 गड्डी पालक की है। आजकल हमने फोकस कर लिया है वेजिटेबल्स पर, सब कह रहे हैं वेजिटेबल्स रेसिपी बताएं, तो हमने उस पर फोकस कर लिया है। अब हम ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म हुआ, अब इसमें हम डाल देंगे अपने गार्लिक, लहसुन चॉप की हुई है वो डालेंगे। लहसुन चॉप की भी हमने ये डाल दी। अब इसको हमने थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। लहसुन हो गए लाइट ब्राउन से लहसुन हो गए। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। वन एंड हाफ टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसमें हरी मिर्चें भी पिसी हुई थी साथ में, अदरक लहसुन के साथ हरी मिर्चें पिसी हुई हैं वो डाली हमने। इसको थोड़ा सा हमने फ्राई किया। अब हमारे पास 3 टमाटर हैं, वो 2-3 हरी मिर्चें हैं वो डालेंगे इसमें हम। इनको अच्छी तरीके से भूनना है। साथ साथ इसमें अपने ड्राई स्पाइसेस भी डाल देंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट एज पर टेस्ट डालें अपने जायके के मुताबिक। उसके बाद मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें हैं वो भी अपने जायके के मुताबिक डालें। 1/2 टीस्पून हमने डाल दिया हल्दी का पाउडर। हाफ टी स्पून हमने धनिया पाउडर डाल दिया। रेड चिली पाउडर अपने हिसाब से डाल दें। अभी मसाले सारे जो हैं इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। अब मसाले को भूनना है हमने। मसाले को हमने अब कवर करके 5 मिनट के लिए भूनना है ताकि ऑयल रिलीज़ कर दे, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए, मसाला भून जाए। उसके बाद फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ऑयल देखें, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम चने की दाल ऐड कर देंगे। तकरीबन हमारे पास 1 प्याली के करीब ये दाल है, ये भीगी हुई है। आप चाहें तो इसको बॉईल करके भी डाल सकते हैं, मैंने फ़िलहाल अभी बॉईल नहीं किया। अभी मसाले में हम इसमें पानी डाल के थोड़ी दाल को गला लेंगे। भूनकर इसमें पहले मसाले में अच्छी तरह दाल को भून कर उसके बाद अब हम इसमें पानी ऐड करके इसको गला लेंगे, सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। इतना पकाना है इसको कि ये 80% तक डन हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें से पालक ऐड करेंगे तो ये पालक के साथ साथ भी गल जाएगी। ये देखिए, हम इसको कवर करके हमने रख दिया था पानी खुश्क होने के लिए। 10 मिनट इसको बगैर कवर किए पकाना था हमने, ताकि पालक की स्मेल ना बैठे, हमने कवर करके रखा था। पानी खुश्क हमारा हो गया ऑलमोस्ट पालक का पानी, क्योंकि पालक जो है काफ़ी पानी छोड़ता है। अब ये जो है पालक का पानी खुश्क हुआ है, तो अब हम इसको रख देंगे दम पर, जब तक ये ऑयल रिलीज़ कर देगा अपना। और हमारा पालक, चने की दाल पालक रेडी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।